परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उसका धन्यवाद तब करें जब आप यह एहसास कर लें कि उसने आपके जीवन में क्या किया है। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? हम धन्यवाद करते हैं ना, लेकिन प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि आप उसका धन्यवाद तब करें जब आप ये महसूस करना शुरू कर दें, इस चीज का आप एहसास कर लें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है, तब आप सच्चे माने में उसका धन्यवाद कर पाएंगे। और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब आप धन्यवाद करेंगे? कब आप महसूस करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर बोलता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसका धन्यवाद तब करें जब आप ये महसूस कर लें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। बहुत जरूरी है उसको पहचानना, बहुत जरूरी है उसके कामों को याद करना, उसकी कृपा को याद करना। हम समझते हैं कि उसने हमारे बारे में किया, हम उसकी कृपा को याद करके क्या कर लेंगे। कभी कभी आपके मन में आता होगा कि मैं उसकी कृपा को याद करके क्या करूंगा। आपको पता है, जब भी आप उसकी कृपा को याद करते हैं, जब भी आप उसके अनुग्रह को याद करते हैं, जब भी आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या है, क्या किया है, आप नहीं जानते, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को परमेश्वर बलवंत करता है। अगर आप अंदर से मजबूत होना चाहते हैं तो याद करिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा बलवंत हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर हो जाए, कहीं भटके नहीं, तो याद करते रहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। क्या थे आप और परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को अपनी समझ के साथ प्यार करो। फिलिपियों 1:9 लिखा हुआ है, पढ़िए बेटा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम किसके लिए? बोलिए परमेश्वर के लिए। बोलिए परमेश्वर के लिए। वो लिखता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, किससे प्रार्थना करता हूं? पिता से। पौलुस आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे इस बच्चे का हृदय खोल, इसके अंदर प्रेम का आधी आशीष डाल, प्रेम की बुद्धि डाल। और वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के लिए, तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर के लिए, सब प्रकार के विवेक सहित और बढ़ता जाए। आमीन। उसमें यह नहीं लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका धंधा बढ़ता जाए, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट बढ़ती जाए, एक घर से दूसरा घर होता जाए, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी होती जाए। ये कहा है उसने? क्योंकि जो गाड़ियां हैं, जो घर है, जो नौकरी है, वो आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका प्रेम परमेश्वर के लिए है, अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अगर आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। दूसरा पत्रस 1:3, कोई नहीं हरा सकता आपको। बड़ी बेटा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। आमीन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ से
बोलिए ईश्वरीय सामर्थ से, ईश्वरीय सामर्थ से, ईश्वरीय सामर्थ से। अब बोलिए दोबारा पढ़िए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। यानी कि जितना पहचान आपका परमेश्वर से बढ़ेगा, जितनी घनिष्ठता आपकी परमेश्वर से यीशु से बढ़ेगी, उतना ही आशीष आप अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखने लगेंगे। परमेश्वर दे चुका है। इफिसियों 1:3 कहता है कि उसने सारी आत्मिक आशीषें परमेश्वर के अनुग्रह से हमें दे दी हैं। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। दी हैं, देने वाला नहीं है, दे दी हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रही है। आप बोलेंगे पास्टर सब कुछ दे दिया तो हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? अभी भी आप अशांत हैं, अभी आप डरे हुए हैं, अभी भी आप निराश हैं, क्यों? क्योंकि आपकी पहचान यीशु से कम है। क्या है, क्या लिखा हुआ दूसरा पत्रस 1:3 कि हमें उसके ईश्वरीय सामर्थ ने भक्ति और जीवन से संबंधित सब कुछ उसकी पहचान के द्वारा दिया है। अगर आपकी पहचान यीशु मसीह से है तो आपको अपने जीवन में उसकी दी हुई आशीषें दिखेंगी, आप महसूस करेंगे उसकी आशीषों को। हालेलुया, आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, आप आजादी महसूस करेंगे। हालेलुया, आपकी लॉटरी निकलेगी, आप कहेंगे अचानक क्या हो गया भैया, जहां कहीं से पैसा नहीं आना था वहां से भी पैसा आ जाएगा। बैठे बैठे लोग आपको आशीष देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी पहचान यीशु से बढ़ रही है। यीशु से पहचान बढ़ाइए, दुष्टात्माएं आपके घर में रुक नहीं सकती। अगर आप बंधन में हैं तो इसका मतलब आपकी पहचान यीशु से कम है, आपकी पहचान नहीं है, आपने सिर्फ यीशु मसीह का नाम जाना है, उसको पहचाना नहीं है। यिर्मयाह 17:7-8 क्या लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका आधार यहोवा है। आमीन। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। कितनों ने परमेश्वर को अपना आधार माना है? हालेलुया। अगर भाई मेरे आपका आधार यीशु है, आपका चेहरा बताएगा, आपका चेहरा बताएगा। अगर आपका आधार यीशु है तो आपके चेहरे पर निराशा नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, यस, डर नहीं होगा। अगर आपका आधार यीशु है, मैं आपको बता दूं, और अगर आपका आधार यीशु नहीं है तो चाहे जितना मर्जी पैसा आपके पास हो, आपके अंदर डर होगा, चिंता होगी, कल का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे धंधे का, मेरी नौकरी का। क्यों? क्योंकि आपका आधार यीशु नहीं है। परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसराइली थे उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझा, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा। परमेश्वर हर दुख में उनके साथ खड़ा था, किसी ना किसी नबी को लेकर, किसी ना किसी न्यायी को लेकर उनकी रक्षा करता था, उन्हें छुड़ाता था, उन्हें मुक्त करता था, उनकी इच्छाओं को पूरा करता था, लेकिन वो समझे नहीं, वो समझे नहीं। और जब
पहला भविष्यवक्ता कौन है? कौन था पहला भविष्यवक्ता? मैं भूल गया हूं। पहला भविष्यवक्ता कौन था? बाइबल में ही है ना। कौन था पहला भविष्यवक्ता? हैं? आपको याद है? शमूएल। अरे वाह, बहन के लिए जोर से तालियां। तो पहला भविष्यवक्ता शमूएल जब हन्ना की कोख से निकला और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, हालेलुया, तो वहां के लोगों ने, इसराइलियों ने एक मांग की कि परमेश्वर शमूएल हमें अपना राजा चाहिए, हमें हमारा राजा चाहिए। अभी परमेश्वर नहीं, हमें हमारा राजा चाहिए। शमूएल दुखी हो गया। वो कहता, तुम्हें राजा, तुम्हें परमेश्वर नहीं चाहिए जो तुम्हारे लिए धरती पर आकर तुम्हें तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछता है, तुम्हारा छुटकारा देता है? आज तुम्हें वो राजा नहीं, आज तुम्हें परमेश्वर नहीं चाहिए और एक मनुष्य चाहिए राजा के रूप में। उन्होंने कहा, हमें एक मनुष्य चाहिए राजा के रूप में, जैसे दूसरी जातियों का राजा है वैसे ही हमारा भी राजा होना चाहिए। आमीन। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो ऐसा मनुष्य चाहिए जो हम पर राज्य करे, जैसे और दूसरी जातियों पर राजा राज्य करते हैं। परमेश्वर ने बताया कि अगर दूसरे आदमी को अपना राजा बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों को वो अपना नौकर बना लेगा, तुम्हारी औरतों से खाना बनवाएगा, तुम्हारी लड़कियों को अपना दासी बना लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम मनुष्य को अपना राजा बनाओगे, लेकिन आप देखिए, उनको एहसास ही नहीं हुआ, वो गुलामी के लिए तैयार थे। यस, हमारे बच्चों को गुलाम बना लेगा, चलेगा, हमारी औरतें उसके लिए नौकरी करेंगी, खाना बनाएगी, चलेगा, हमारी बहनें बहुएं उसकी दासियां बन जाएंगी, चलेगा, हमको नौकर, हमें राजा चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी विडंबना है कि आज इंसान इंसान की गुलामी करने के लिए तैयार है लेकिन परमेश्वर के संग झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं चाहता परमेश्वर के सामने झुके। अरे भैया, परमेश्वर के सामने झुककर, दीन बनकर, नम्र बनकर उसके सामने हाथ जोड़ो, वो तुम्हें गले लगाएगा। लेकिन अगर अपने बॉस को अपना राजा बना लेंगे, अपने बॉस के सामने अगर आप झुकेंगे, वो आज नहीं तो कल आपको धक्के देकर निकालेगा। जब आपसे काम निकल जाएगा वो निकाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक राजा चुना गया जिसका नाम था शाऊल। हालेलुया। जब शाऊल को परमेश्वर ने चुना, शाऊल के द्वारा, शमूएल के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो शमूएल ने उसको राजा बनाया और उसको बताया कि परमेश्वर ने कहा है, तो बिन्यामिन गोत्र से है और तुझे कीश का पुत्र है और तुझे परमेश्वर राजा बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शमूएल ने उससे कहा कि तू गिलगाल में रुकना। क्या कहा? गिलगाल में मेरा इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला शमूएल 10:8 पढ़िए। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँच कर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है, आगे क्या करना है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको भविष्य नहीं पता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आगे जानना चाहते हैं आगे क्या करना है? अच्छा, कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपको बताए कि आगे क्या करना है? आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपका पिता परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो एल एलोही है, वो आगे बताए कि कल आगे क्या करना है आपको? आमीन। आगे क्या करना है? कौन बताने वाला है? मेरे पिता। आमीन। शमूएल कहता है शाऊल से कि रुका रहे 7 दिन तक, इंतजार कर,
और उस इंतजार का मकसद यह होगा, उस इंतजार का फल यह होगा कि मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आमीन। कौन सी चीज हमें रोकती है, कौन सी चीजें हमें सफलता पाने से रोकती है? क्योंकि हमें पता ही नहीं अगला कदम कैसे उठाएं, क्या करें, किधर जाएं, किस आदमी से धंधा लें, किस आदमी से धंधा ना लें, किसकी नौकरी लें, किसकी नौकरी ना लें, किसके साथ चलें, हालेलुया, किसको छोड़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पता ही नहीं है। वो वादा करता है पिता परमेश्वर, अगर तू इंतजार करेगा तो मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आमीन, हालेलुया। वो क्या चाहता है, इंतजार कर, इंतजार कर, मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। हालेलुया। यूसुफ जब 17 साल का था तो परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे बात की और उसे बताया कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और उसे बताया कि जिंदगी में तू क्या करने वाला है। एक समय ऐसा आएगा जब चांद और सूरज तेरे सामने नतमस्तक करेंगे। एक समय ऐसा आएगा। यूसुफ को बताया कि क्या करने वाला है, मैं तेरे जीवन में क्या करने वाला हूं, उसे बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हुआ क्या कि यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। कितनी चांदी के सिक्कों में बेचा? कितना? 30? 20। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बेच दिया और पोतीपर नाम के व्यापारी के घर में वो आ गया और वहां पर एक औरत थी, उसकी पत्नी थी, वो उसके संग गलत संबंध बनाना चाहती थी और उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि आपका हर पाप किसके विरुद्ध है? आपका कोई भी पाप आपके विरुद्ध नहीं है, सामने वाले मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, आपके आपकी पत्नी के विरुद्ध नहीं है, आपके पति के विरुद्ध नहीं है। आप जो पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आप सामने वाले मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। अगर आप व्यभिचार करते हैं अपने थोड़े से सुख के लिए झूठ बोलकर, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यस, ये समझ लीजिए। इंसान समझता क्या, अरे नहीं यार, मैंने दीपा को धोखा दिया है, इसे पैसे लिए थे और बेवकूफ बना दिया, पैसे वापस नहीं करूंगा, मैंने इसके विरुद्ध पाप नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। याद रखिए, आपका थोड़ा सा झूठ बोलना, आपका थोड़ा सा सुख आपको गड्ढे में डाल सकता है। तो यूसुफ ने क्या किया कि साहब, जैसे ही पोतीपर की पत्नी ने उसके संग गलत संबंध बनाने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं कर पाऊंगा। और कहां चला गया? जेल में। आमीन। कहां चला गया? उसने कोई पाप किया था? कोई गुनाह किया था? कोई गलती की थी? लेकिन बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ उस जेल में क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, कैसे उसने 12 साल बिताए, कैसे उसने 12 साल बिताए, आपने सोचा है? आप जब शताब्दी में होते हैं, आप जब परीक्षा में होते हैं, तो आप कैसे बिताएं? अपनी परीक्षाओं में आप कैसे सफल हो सकते हैं? जब आप उसके अनुग्रह को याद करते हैं, जब आप पिता की महिमा को याद करते हैं। हालेलुया। आमीन। जब आप भी परीक्षा में हो, जब आप दुखी हो, उस पिता की महिमा को, उसकी गरिमा को अपना लीजिए, स्तुति आराधना करते रहिए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके घर में तनाव है, आपके घर में निराशा है, डर है, ऊंची आवाज से उसकी महिमा गाइए, धन्यवाद करिए, उसकी तारीफ करिए। आमीन।
सब कुछ टूट जाएगा। आमेन। आपका समय निकल जाएगा। आमेन। आपको अंदर से शक्ति मिलेगी, आप अंदरूनी बलवंत हो जाएंगे, आप शक्ति पाएंगे। हालेलुया। और परीक्षा का समय निकल जाएगा। 12 साल यूसुफ इंतजार करता रहा उसके वादे का, उसकी कृपा का, उसके प्रॉमिसेस का। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ इंतजार करता रहा और जैसे ही 14वां साल आया, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आमेन। इट्स नॉट इजी थिंग। हम छोटी छोटी बातों में आजमाइश में आ जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आजकल बड़ा हो गया कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप गलत हैं, यानी कि आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। आमेन। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैंने गलत किया था, मैं गलत हूं। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के भाइयों को आशीष कब मिली? यूसुफ के भाइयों को छुटकारा कब मिला? यूसुफ के भाई उस बोझ से कब दूर हो गए? जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के सामने स्वीकार किया कि हमने अपने भाई के संग गलत किया था। जब तक आप एहसास नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, आप आशीष नहीं पाएंगे। कब आशीष मिली उनको? 20 साल के बाद। 20 साल तक उन्होंने छुपा के रखा अपने बाप से कि उसका बेटे को जानवर खा गए। 20 साल तक, जब तक उन्होंने उस पाप को जो यूसुफ के संग किया था छुपा के रखा, वो पनपे नहीं। और ऐसी स्थिति आ गई कि उनके पास खाना नहीं था। किसके बेटे थे वो? याकूब के बेटे थे। ऐसी स्थिति आ गई कि खाना नहीं था उनके पास, और जब मिस्र में जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना कि यस, हमने गलती की थी, आज से 20 साल पहले हमने अपने भाई को मारा, बेच दिया हमने अपने स्वार्थ के लिए। जिस दिन उन्होंने एहसास किया, उस दिन आजाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। गिलगाल में शमूएल ने कहा, रुको शाऊल, रुको, मैं आऊंगा और तुझे बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों रुकने के लिए कहा गिलगाल में? गिलगाल क्या है? गिलगाल की ऐसी चीजें जो गिलगाल में हो, गिलगाल क्यों प्रमुख माना जाता है? कोई बताएगा मुझे गिलगाल को क्यों माना गया है? हालेलुया। वैसे तो 14 चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं। गिलगाल वो स्थान है जहां पर जब व्यवस्था वरुण में जो मिस्र से पीढ़ी आई थी, इजरायली जब मर गए थे और उनके जो बच्चे पैदा हुए थे, जब वो गिलगाल में आए, तो गिलगाल वो स्थान था जहां पर उनका खतना हुआ था। गिलगाल वो स्थान था जहां पर मन्ना बंद हुआ था, मन्ना गिरना बंद हुआ था। गिलगाल वो स्थान था जहां पर यहोशू ने अपने 12 गोत्रों के पत्थर लगाए थे। गिलगाल वो स्थान था जहां पर परमेश्वर मनुष्य के रूप में यहोशू के सामने प्रकट हुआ था। गिलगाल वो स्थान था जहां पर एलिया स्वर्ग पर जाते हुए उठा लिया गया था। गिलगाल वो स्थान था जिसको एलीसा ने अपना मुख्यालय बना लिया था।
गिलगाल वो स्थान था और उसी गिलगाल पर रुकने के लिए शमूएल ने कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से कहा कि रुकना, क्योंकि मैं तुझे बताने वाला हूं कि तुझे आगे क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से मसीह हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बहुत से मसीह हैं जो सुकून की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बहुत से मसीह हैं जो अपनी आशीषों को खो रहे हैं, बहुत से मसीह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए इंतजार करते नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजार नहीं करते हैं। श्यामल चाहता है कि इस इंतजार में रहें, परमेश्वर चाहता है कि आप मेरा इंतजार करें। हालेलुया। आज का मसीह इंतजार नहीं करता, आज के मसीह में सब्र नहीं है, आज के मसीह में सहनशीलता नहीं है, आज के मसीह में दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज का मसीह इंतजार नहीं करता, इंतजार नहीं करता। कब करेगा इंतजार? जब वो विश्वास के साथ उसकी महिमा को समझेगा, जब वो समझेगा कि नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मसीह कहता है कि परमेश्वर कहां बात करता है, कहां बात करता है। आज आप ज्ञान क्यों पाना चाहते हैं पता है? ताकि आप दूसरों को इंप्रेस करें। आज का पास्टर ज्ञान क्यों पाना चाहता है, क्यों ज्ञान पाना चाहता है? ताकि दूसरों को इंप्रेस करे। अरे खुद को बनाओ पहले उस ज्ञान से, खुद में परमेश्वर को लेकर आओ। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका इंतजार करें, आप उसका इंतजार करें। कि बेचैनी में आप इंतजार कर सकते हैं किसी को? जब आप बेचैन होंगे किसी का इंतजार कर सकते हैं? आमीन। आप जब आप किसी का इंतजार करते हैं, आजकल तो लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कियों को इंतजार कर रही हैं, है ना? अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कब करते, कैसे करते हैं? उसमें तो मायूस नहीं होते, मायूस नहीं होते ना उसमें? दो दो घंटे धूप होगी तब भी, हालेलुया, धूप कड़ाके धूप और इंतजार कर रहे हैं, अकेले बैठा हुआ बेचारा। यहां से मैं जाते हुए देखता हूँ बेचारे को, बहुत दुख होता है मुझे 3-4 बजे जब जाता हूँ। आमीन। क्या सोचते हैं, क्या इंतजार करते हैं? क्या ओ भाई की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है, और जरूर देखना वो अगर लेट हुई है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती नहीं है, नहीं 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 नहीं, कुछ तो वजह होगी होगी, कैसे आ रही होगी बेचारी इस धूप में। आमीन। हालेलुया। क्या बात है, धन्यवाद अमितेश जी ने हालेलुया बोल। आमीन। हालेलुया। इस समय हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो गिलगाल में क्या कहता यीशु मसीह, क्या परमेश्वर शमूएल ने क्या कहा? इंतजार करो। और वो इंतजार नहीं कर पाया, क्यों नहीं? 13वां पढ़िए, 13:8-14, पहला शमूएल 13:8-14। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। कौन? शाऊल। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। 9वां, क्या होने लगा? लोग इधर उधर होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। 10वां,
जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। ग्यारहवां, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शमूएल ने कहा, तूने क्या किया? तूने होमबलि चढ़ाई, तूने मेल बलि चढ़ाई, तूने ये क्या किया? मैं आने वाला था और होम बलि चढ़ाने वाला था और मैं बताने वाला था कि तुझे आगे क्या करना है। आमीन। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे हैं और तू ठहराए हुए दिनों तक भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं। दो चीजें, आप परमेश्वर का इंतजार क्यों नहीं करते? शमूएल परमेश्वर का इंतजार क्यों नहीं कर सका? उसने देखा कि मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो लोग थे, मेरे जो सैनिक थे, भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, आपके पास एक लेटर आ जाता है कि साहब दो दिन में अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो आप नौकरी से बर्खास्त होंगे। आमीन। जब आप देखते हैं कि आपकी आशीषें जा रही हैं, आपकी नौकरी जा रहे हैं, आपका संबंध टूट रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, जब आप ये देखते हैं तो आप परमेश्वर का इंतजार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके संबंध जरूरी हैं, आपके लिए आपकी नौकरी जरूरी है, आपके लिए आपके रिश्ते जरूरी हैं। शाऊल ने क्या कहा कि जब मैंने देखा कि मेरे लोग, वो लोग इधर जा रहे हैं, तिधर बिधर होने लगे हैं, मैंने होम बलि की। किसने दिए थे आपको लोग? किसने दी थी आपको शक्ति? किसने दी थी ये सेना आपको? किसने दी थी? परमेश्वर ने। और आप उनके लिए परमेश्वर को त्याग रहे हैं? ये जीवन किसने दिया आपको? बुद्धि किसने खोली आपकी? और आप इन छोटी सी चीजों के लिए कि मेरा धन ना चला जाए, मेरे दोस्त ना चले जाएं, मेरी नौकरी ना चला जाए, मेरा धंधा ना चले जाए, आप परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा करना बंद कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा ही आपको शक्ति दे रही है। आमीन। जब आप सताव में होते हैं, जब आप नौकरी छूट रही होती है, जब आपका धंधा बंद होने लगता है, तब आप अगर परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर तू महान है, मैं जानता हूं परमेश्वर ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, तू ही इस योग्य है कि मैं तेरी महिमा करूं। जिस दिन आप अपने दुख में, जिस दिन आप सताव में, जिस दिन आप परीक्षाओं में परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, जैसे शद्रख मेशक अबेदनगो ने कहा था कि नबूकदनेस्सर इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, नबूकदनेस्सर ने कहा फिर तुम्हें मरना पड़ेगा और 7 गुना इस भट्टी को बढ़ा दो। नबूकदनेस्सर ने, शद्रख मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे नबूकदनेस्सर हमारा परमेश्वर आएगा और हमको बचाएगा, लेकिन अगर वो नहीं भी आएगा तो भी वो मेरा परमेश्वर है। जिस दिन हम इस भावना के साथ अपने जीवन को जिएंगे, ऐ नौकरी, ऐ बीमारी, तू मेरी जान ले ले तो चलेगा, तू रहेगी तो भी परमेश्वर मेरा विधाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, क्या चाहता है परमेश्वर? कि आप ठहरिए, आप इंतजार करिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब आप इंतजार करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। शाऊल ने कहा, अरे 7 दिन हो गए बताया नहीं,
क्यों नहीं बताया 7 दिन में? परमेश्वर ने शाऊल को 7 दिन में क्यों नहीं बताया? कोई बताएगा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं बताया? हैं? क्या कह रहे? हालेलुया। शमूएल ने कहा था शाऊल से कि 7 दिन तक मेरे इंतजार कर, उसके बाद मैं आऊंगा और तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। क्या 7 दिन तक शाऊल ने इंतजार किया? क्या 7 दिन तक शाऊल ने महसूस किया उसकी कृपा को, जो जो उसने किया था उसको याद किया? क्या 7 दिन तक उसने अपनी सभा को, जो 400 बंदे उसके पास थे, उन 400 बंदों को बिठाकर बताया कि मैं कुछ भी नहीं था, हे भैया सैनिकों सुनो, मैं शाऊल कैसे बना, मैं बिन्यामिन गोत्र का कीश का पुत्र, मैं कुछ भी नहीं था, अरे मैं इस काबिल भी नहीं था कि अपनी गधी को ढूंढ लूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा गधी ढूंढने के लिए। हेलो, जिस आदमी को काम दिया जाए गधी ढूंढने का, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। शाऊल का पिता समझता था कि ये मेरा बेटा गधी ढूंढ लेगा, जिसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो गधी ढूंढ ले, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। आमीन। आप क्या समझते हैं, आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं? घमंड है आपको, बहुत आता है आपको? अगर आपका घमंड दूर नहीं हुआ, आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा सकते। आपके रग रग में, आपके लहू में यह एहसास होना चाहिए, यह विचार होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आपको चुन लिया है, आपको चुन लिया है। शाऊल का राज्य उससे क्यों छीन लिया गया? क्योंकि उसने एहसास नहीं किया कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया है। और आज यही आपका हाल है, अगर आपके अंदर एहसास नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में क्यों बुलाया है, अगर आपको यह एहसास नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, अगर आपको यह एहसास नहीं कि परमेश्वर ने आपको चुनकर अपना बंदा क्यों बनाया है, माफ कीजिएगा, जिस तरह शाऊल का राज्य छिन गया था, कहीं आपसे भी आपका राज्य ना छिन जाए, कहीं आपसे भी आपकी पदवी ना छिन जाए। याद रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल नहीं टिक पाया, क्योंकि शाऊल को लग रहा था, अरे मेरे 400 सैनिक जा रहे हैं, इनके बिना मैं क्या हूं, ये अगर चले गए तो मैं कैसे इनको ढूंढूंगा, कैसे उनको लाऊंगा। वो भूल गया कि 400 सैनिकों को लाने वाला परमेश्वर ही है, भूल गया वो। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, उस मकाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, मुझे ये कलीसिया देने वाला परमेश्वर है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी 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 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए व्यवस्था वर्णन डेटरोनोमी 8:2-3 में देखिए, परमेश्वर ने कहा तो मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में आओ। व्यवस्था वर्णन 8:2-3 जल्दी पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आमीन। स्मरण रख, याद रख कि परमेश्वर इन 40 दिनों 40 वर्षों में
तुझे जंगल में क्यों लाया है, क्यों लाया है। स्मरण कर कि परमेश्वर तुझे कलीसिया में क्यों लाया है। स्मरण कर कि परमेश्वर ने तुझे वर्शिप लीडर क्यों बनाया है। स्मरण रख कि परमेश्वर ने तुझे अपना चेला क्यों बनाया है। स्मरण रख, स्मरण कर, तब तू नम्रता पाएगा, तब तू दीनता पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्मरण कर, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते, अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप इंतजार भी नहीं कर सकते। आपको पता यीशु मसीह ने इंतजार किया था 30 साल तक। मरियम की कोख से जन्म लेने के बाद जब वो 12 साल की उम्र में थे तो मंदिर में बैठे हुए शिक्षा बांट रहे थे, यानी कि उन्हें एहसास था कि वो कौन है। उसने अपनी माँ मरियम से कहा कि तू मुझे क्यों ढूंढ रही है, एक पुत्र कहाँ होगा, अपने पिता के घर में, और मैं अपने पिता के घर में था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो 30 वर्ष तक इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा समय आएगा और मुझे क्या करना है। हालेलुया, मत्ती 3:15, जब वो अपने घर से यरदन नदी में आए और जब बपतिस्मा लेने लगे तो यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्या कहा, पढ़िए बेटा 3:15। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। परमेश्वर आपसे इंतजार क्यों करवाना चाहता है, कि आप उसकी धार्मिकता को पूरा करें। लूका 1:80, यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो कि जकरिया का बेटा था, जकरिया कौन था, कौन था जकरिया, याजक। क्या जकरिया ने उसको याजक बनाया? हेलो, इतने बुढ़ापे में एलिशीबा और जकरिया को एक पुत्र हुआ और वो याजक था। क्या उसने उसको याजक बनाया? कहां था वो? 80 पढ़िए, लूका 1:80। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। यूहन्ना बपतिस्मा वाला बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप इंतजार करें, ताकि आप बढ़ें और आत्मा में बलवंत हों। वो आप बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। आमेन, इज़राइल पर प्रकट होने के लिए कहां रहा, कहां रहा? क्या वो अपने बाप के घर नहीं रह सकता था? उसका बाप याजक था ना, उसका बाप याजक था, प्रभु की बातें होती थी, उसके घर में भी प्रार्थना होती होगी, उसकी माँ भी धर्मी थी, क्यों घर में नहीं रहा, कहां रहा और क्या करता रहा? इंतजार, संसार से दूर। आप कब इंतजार कर सकते हैं परमेश्वर का? जब आप संसार से दूर होंगे, जब आप अपने अंदर संसार को निकालेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा वाला जकरिया का बेटा था, याजक का बेटा था, इससे बढ़िया क्या बात होती है कि सुबह से शाम तक वो 30 साल तक स्तुति आराधना करता रहा मंदिर में। नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या थी, कि वो जंगल में इंतजार करे, टिड्डियां खाते हुए, चुभे हुए, चुभते हुए कपड़े पहनते हुए। आमेन, हेलो।
आप कहेंगे प्रभु इंतजार करता हूं लेकिन एसी का रूम तो दो है? इधर बाइबल पढ़ रहा हूं, इधर से पसीना निकल रहा है, क्या प्रभु आप कहां लाके खड़ा कर दिया आपने हमको, यहां कैसे ज्ञान प्राप्त करूंगा मैं, खुरदरे कपड़े कुछ खाने के लिए नहीं। योहन्ना बपतिस्मा वाला पूछ सकता था कि परमेश्वर मैं कोई अनाथ हूं, अरे इतने सालों के बाद तो आपने मां बाप दिए मुझे, उनका प्यार तो ले लूं, मां के हाथ की रोटियां तो खा लूं। आमीन। क्यों परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता है? ये गलत है। हमारी तरह क्यों नहीं सोचता है? क्या चाहता है उसको अगर हमारी तरह सोचेगा? अगर वो हमारी तरह सोचेगा तो वो हमको बना नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको संवारना चाहता है, वो आपको अपना रूप देना चाहता है, वो आपको अपनी बुद्धि देना चाहता है, वो आपको अपनी वाणी देना चाहता है। Praise the Lord। वो आपके अंदर अपना सामर्थ्य डुबाना चाहता है, सामर्थ्य लाना चाहता है। इसलिए वो कहता है वो बालक आत्मा में बढ़ता गया और बलवंत होता गया। अगर आप घर में होते तो आप आत्मा में नहीं बढ़ते, अगर आप घर में होते तो आप बलवंत नहीं होते। क्या होना है आपको? आपको शरीर से बढ़ना है या आत्मा से बढ़ना है? हेलो, आपको आत्मा से बढ़ना है, शरीर से बढ़ना है? आत्मा से। अभी तो आत्मा से बोल रहा हूं, जब 3 दिन की मैं आत्मिक सभा के लिए बोलूंगा तो सब लोग नीचे देखने लगेंगे। अरे 3 दिन यार, एक भैया बोल रहे थे, उनकी गवाही मैंने सुनी कि मैं जैसे ही पहले दिन आया था मैंने कहा यहां से भाग जाऊं। अभी 3 दिन उन्होंने गवाही दी और 3रे दिन उन्होंने कहा, लेकिन 3रे दिन जो मैंने पाया है वो अद्भुत आशीष पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर का इंतजार आपको जंगल में करना पड़ेगा, घर में बैठे हुए नहीं। आप सोचते हैं एक आंख से परमेश्वर को देखूं और एक आंख से संसार को देखूं, दोनों आंखें दी किसके लिए? ये परमेश्वर ने 2 आंखें क्यों दी मुझे? एक आंख से संसार को देखूं, एक आंख से परमेश्वर को देखूं। क्या हुआ इसमें, क्या गलत है? संसार भी तो परमेश्वर ने बनाया है, मैं कोई गलत कह रहा हूं? संसार किसने बनाया है? फिर क्यों ना मैं उस जाकर उसमें मजे लूं? फिर आप इंतजार नहीं कर पाएंगे, आप बलवंत नहीं हो पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह इंतजार कर रहा था, और आप पता है इतना इंतजार कर रहा था कि वो रूपांतरण के पर्वत पर पहुंचा। उसका इंतजार कर रहा था जहां पर कौन मिला उसे? और मूसा। आमीन। किसको मिले? यीशु मसीह को। हालेलुया। और जैसे ही मूसा और एलिया मिले उसके बाद उसने जो जाना, क्या कहा था शमूएल ने शाऊल से कि तुम रुको मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। परमेश्वर ने भी यीशु मसीह से कहा रुको और रूपांतरण के पहाड़ पर जाओ, मूसा और एलिया आएंगे तुम्हें बताएंगे क्या करना है। और मूसा और एलिया उस रूपांतरण के पहाड़ पर आए और उसके बाद यीशु मसीह ने कहना शुरू किया कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जाएगा और याचकों और महायाचकों द्वारा ठुकराया जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड. कहां से पाया उन्होंने ज्ञान? इंतजार करके, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे. मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर का इतिहास बने, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुसार चलें, आपको इंतजार करना पड़ेगा. अपने स्वभाव को सुधारिए, स्वार्थ निकालिए, ईगो निकालिए. सबसे बड़ा गलत विचार ईगो है, जो आपको झुकने नहीं देता है. झुकने में ही सुख है, याद रख लीजिए. लेकिन दिमाग से मत झुकिए, झुकिए दिल से. झुकिए दिमाग से, झुकना और दिल से झुकने में फर्क है. और दुनिया पहचान लेती है कि आप दिमाग से झुक रहे हैं या दिल से झुक रहे हैं. कोई बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है. दुनिया जान लेती है कि आप दिमाग से झुक रहे हैं, किस सिचुएशन में अभी झुक जाओ बाद में देखेंगे, या आप दिल से झुक रहे हैं कि नहीं, वाकई मेरी गलती है, आई एम सॉरी. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे भाई, मेरी बहन, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि परमेश्वर का स्वभाव आप में रहे और आप यीशु की पहचान में आगे बढ़ें. अगर आप यीशु की पहचान में आगे बढ़ेंगे तो भक्ति और जीवन से संबंधित आपको हर सुख मिलेगा. जितना आप पहचान बढ़ाएंगे यीशु से, उतना ही आप सुख पाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए याद करिए, याद करिए परमेश्वर की आशीष को. याद करिए कि वो क्या चाहता है, कि जब आप धन्यवाद दें तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने परमेश्वर को जाना है, आपने परमेश्वर की कृपा को समझ लिया है, आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख लिया है. और तब आप जब धन्यवाद करेंगे ना, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपके पास होगा, परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा और परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है. आमीन. आज का वचन मैंने आपने ग्रहण किया? विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा. मैं प्रार्थना करता हूं जो देख रहे हैं. हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं. जितने भी भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, अपने 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 अंगों पर हाथ रखिए. मैं प्रार्थना करता हूँ शहर बाबा का हिला का हिंदू शिकलारी, हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ, हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ, निराशा को, डर को, हालेलुया रे बाबा हिंदू शिकलारी निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से. यीशु के लहू से स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. प्रार्थना आपने सुनी को भूल किए. आमेन आमेन आमेन.